दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, वो भी मुफ्त में। नमकीन चीजें और कार्बोनेट ड्रिंक से आपको पेट फूलने की समस्या हो सकती है। इसी तरह कुछ और चीजें भी हैं जिनके मिश्रण से आपको ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है, क्योंकि ये चीजें पचने में अधिक समय लेती है, इसलिए आपको इनसे किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किन किन चीजों के मिश्रण को खाने से आपके पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है, आपका पेट फूल सकता है। नंबर वन दोस्तों, प्रोटीन प्लस प्रोटीन। अगर आप चिकन के साथ प्रोटीन से भरपूर बीन्स खाते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना प्रोटीन पचने में समय लगता है, इससे आपका पेट फूला हुआ महसूस हो सकता है। इसके अलावा ये व्यवस्थित होने में समय लेता है, इसलिए एक बार में एक ही प्रोटीन ले, जैसे मछली के साथ सब्जियां या अंडे के साथ ब्रेड। नंबर टू दोस्तों, फ्रूट्स प्लस प्रोटीन। फ्रूट्स में सिंपल शुगर होता है जो पचने में काफी कम समय लेता है, लेकिन प्रोटीन से भरपूर मीट या अंडे के खाने के बाद फ्रूट खाने से इन्हें पचने में समय लगता है। फ्रूट का शुगर लेवल पेट में तब तक रहता है जब तक प्रोटीन ब्रेक डाउन नहीं हो जाता, जिससे पेट फूल सकता है, इसलिए प्रोटीन डाइट के कम से कम एक घंटा बाद ही फल खाएं। थर्ड है दोस्तों, डेयरी प्रोडक्ट प्लस स्टार्च। पिज्जा बर्गर में चीज होता है जो पचने में समय लेता है, डेयरी प्रोडक्ट भी पचने में समय लेते हैं। जाहिर है इन्हें एक साथ खाने से पाचन में अधिक समय लगता है। जब पाचन तंत्र लंबा हो जाता है तो स्टार्च शुरू हो जाता है, जिससे गैस बनती है और पेट फूलने लगता है। इसलिए डेयरी प्रोडक्ट के साथ ब्रेड की बजाय हरी पत्तेदार सागी खाएं। हरी पत्तेदार सब्जियां आपको स्टार्च की तुलना में पेट को बेहतर बनाने में मदद करती है। तो दोस्तों, ये है तीन ऐसे कॉम्बिनेशन जो आपके पेट को फुला सकते हैं, तो इन्हें न खाएं, अवॉइड करें। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।